ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को हमें कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर बनेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या है आप लोगों को मालूम है? मतलब दो ट्रायंगल पूरा बराबर है तो हम कहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक, अरे भाई साहब इसका क्या हो गया, मान लो कि ये कोई एक ट्रायंगल है ऐसा। अब ये ट्रायंगल ऐसा है, अब इस ट्रायंगल को आप लेके मान लो कि आप मेरे डिफरेंट ट्रायंगल, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ अब घुमा देता हूँ, सपोज आई रोटेटिंग ना, देखो तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एग्जैक्टली द सेम पोजीशन को मत देखो, है कि नहीं? ये सबको समझ में आता है? तो दो ट्रायंगल बराबर है कि नहीं पता कैसे चलता है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं पता कैसे चलेगा? देयर आर टू मेथड्स कॉन्ग्रुएंस। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब? आर congruent if all their sides are of same length। थोड़ा शायद मुझे स्टेटमेंट ठीक नहीं लगा, मैं स्टेटमेंट को बदल दूंगा, थोड़ा सा बदल दूंगा। If lengths of sides of one triangle is same age that of other triangle। मैं सपोज कहूं कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जो ऐसा है, ये एक ट्रायंगल है, और मैं क्या करता हूं इसको कभी एक दूसरा ट्रायंगल यहां पे ले लेता हूं, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, जस्ट अ मिनट, और ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये नाम है ए, ये बी है, ये सी है, इसका पी है, ये क्यू है, ये आर है। देखिए पता चल रहा है कि जो ए बी है वो पी आर के साथ बराबर है, नहीं? और जो ए सी है वो किसके साथ बराबर है? आर क्यू के साथ बराबर है, और जो बी सी है वो पी आर के साथ बराबर है। तो आपने बोला कि अगर तीनों एंगल बराबर होंगे, नहीं नहीं, तीन एंगल बराबर होने से वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होता, तीनों साइड बराबर होने से। अब ये बात है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, लेकिन तीनों एंगल बराबर होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, सबके समझ में आ रहा ना? हाँ, तो हम कहेंगे कि ये जो है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल टू पी आर, और आपका पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, और आपका क्यू आर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो हम कहेंगे ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो आप कहोगे ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल ट्रायंगल है, खाली पोजीशन अलग अलग करके रखा गया। ठीक है, तो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं पता करने के लिए तरीका क्या हुआ? इसका हर एक साइड को उसका हर एक साइड के साथ कंपेयर करो, लेकिन तीन कंपैरिजन करना पड़ता है, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो। सपोज फॉर क्राइटेरिया
यस यस यस। तो ये क्राइटेरिया नंबर वन, ये गया क्राइटेरिया नंबर वन, जिसको हम कहेंगे एस 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 क्राइटेरिया, ये है ना। तो तुम लोगों को मालूम है तो स्किप कर जाओ, मालूम है ना। हाँ बढ़िया, तो कांग्रेस ही समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप और बाकी दोनों क्राइटेरिया क्या क्या है बताओ। एस ए एस सास है, और एक तो आशा है, और क्या है, राइट एंगल नहीं, ये हाँ ये हो गया। तीन कंडीशंस क्राइटेरिया समझ में आता है, तीनों साइड्स बराबर है, या फिर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, या फिर दो एंगल्स एंड उनके बीच का साइड बराबर हुआ, तो ये मालूम है। मैं खाली फिर बता दिया, एनीवे फिर भी मुझे ये बहुत जरूरत पड़ेगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा दिखने वाले, जैसे मैं अगर कहूं कि सपोज यहां पर दो लोग खड़े हैं, ये एक आदमी है और ये कोई दूसरा आदमी है, समझ में आया, दो आदमी खड़े। अब मान लो कि यहां पर एक बच्चा जो है कुछ खेल रहा है और रो रहा है, ये किसका बच्चा हो सकता है, ए का कि बी का, क्यों लगा ऐसे, दिखने में उसके जैसे दिख रहा है ना, सिमिलर है कि नहीं, नहीं तो ये बच्चा इसका है, मतलब इसी को बड़ा करोगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, नहीं जो पंजाबी लोग के बड़ा होने से पंजाबी जैसे दिखते हैं, जो नेपाली लोग हैं नेपाली जैसे दिखते हैं, रशियन रशियन जैसे दिखते हैं, है कि नहीं। तो ये सिमिलर है, मतलब ये और ये देखने में तो पूरा एक जैसे है, लेकिन इनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, उसको कहते हैं सिमिलैरिटी। तो बेसिकली आप सिमिलर टू ट्रायंगल को सिमिलर कब कहोगे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे लुक अलाइक, एक जैसे दिखते बट ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये हो गया बेसिक प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अच्छा अभी मान लो कि ये कोई एक ट्रायंगल है छोटा सा, अब ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल को मान लो कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा बनाता हूँ ऐसे, सपोज आई से दिस ट्रायंगल, क्या ये इसका सिमिलर दिख रहा है, हाँ लेकिन छोटा है। सिमिलर दिख रहा है मतलब ये वाला बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये इसका जितना टाइम से ये उसका उतना ही टाइम से, इट इज सिमेट्रिकली ग्रोइंग इन ऑल डायरेक्शंस, समझ में आया क्या। ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर अगर कहेंगे तो हम कहेंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर दिखते एक जैसे हैं, शेप एक जैसा है, साइज एक जैसा नहीं है, शेप एंड साइज आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू एप्पल्स हैव सेम शेप बट दे मे हैव डिफरेंट साइजेस, है कि नहीं। तो ये दोनों का शेप बराबर है, साइज डिफरेंट है, लेकिन इस केस में शायद आपको दिख रहा होगा कि ये साइड का डबल अगर ये हुआ तो ये साइड का डबल ये होगा, नहीं। फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स हमें हम ये लिख सकते हैं इसमें कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं हियर ए सी बी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर का मतलब ऑफ सेम सेम। अब यहां पे कहोगे एसी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, साइड्स बियर ए कॉन्स्टेंट रेशियो, तो क्या लिखेंगे इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये हम पॉइंट नंबर टू पे जा रहे हैं, यहां पे हम कहेंगे Q
की दी साइड्स आर बियरिंग ए कांस्टेंट रेशियो। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है कैसे पता चलेगा? हाँ एक जैसा दिखेंगे, अरे देख के हर जगह नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग कंडीशन देख चुके हैं, क्या हम कहेंगे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर? यस, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, क्योंकि एक जैसा दिखते ही है। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, ये हमें मालूम है। Of different sizes. Sir, but वो तो they may have. Generally, अगर वो same size के हो जाते हैं तो उनको हम congruent कहते हैं और similar कहने की जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, congruent भी similar triangles ही है, मतलब they will obey the rules of similarity, है ना? अच्छा, तो AC by PR is equal to BC by QR is equal to AB by PQ, ये आपको समझ में आया। अब दो triangle कैसे पता चलेगा कि वो similarity है? Conditions of similarity, conditions of similarity, पहला हुआ A A A, मतलब इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के बराबर हो गया तो वो सिमिलर, इसका तीन एंगल उसका तीन एंगल के साथ बराबर हो गया तो हम कहेंगे वो सिमिलर है। समझ में आ रहा है? जैसे That is, all angles are of first triangle are equal to corresponding angles of second triangle. समझ में आ रहा है क्या? एक का सारा ट्रायंगल एंगल दूसरे के सारे एंगल के साथ बराबर है तो पक्का वो सिमिलर होगा ही होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होता है? व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें हमें नोट ये करना है कि फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, For two similar triangles, the sides bear a constant ratio. Sides of the triangles, sides of the two triangles, or थोड़ा सा statement को modify करेंगे, the corresponding sides, the corresponding sides bear a constant ratio. ठीक है, bear a the corresponding sides. ये कांस्टेंट रेशियो, समझ में आया? साइड्स कांस्टेंट रेशियो मेंटेन करते हैं। तो अगर मैं आपको कोई एक ट्रायंगल देता हूं जो कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो मैं ऐसा देता हूं, एक ट्रायंगल दिया मैं कुछ ऐसा वाला, ये एंगल दिया है 53 डिग्री, ये एंगल दिया है 37 डिग्री और ये 90 डिग्री सपोज, और दिया है कि ये 4 मीटर साइड, एक साइड का लेंथ क्या दिया है 4 मीटर, और फिर बाद में लिखेंगे, पहले रेशियो लिख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल दिया है कितना 37 डिग्री, ये एंगल दिया है कितना 53 डिग्री और ये एंगल 90 है, और इसका नाम है पी क्यू आर, करेस्पॉन्डिंग साइड्स बियर ए कांस्टेंट रेशियो। इसका कौन से साइड के साथ कौन सा साइड को करेस्पॉन्डिंग साइड कहेंगे? देखो 37 का सामने कौन है? ए बी। इधर 37 के सामने कौन है? क्यू आर, मतलब AB and QR are the corresponding sides, समझ में आ रहा है? Similarly 53 के सामने है AC, 53 के सामने है PQ, PQ and AC are similar, ये जो sorry corresponding sides, ये जो corresponding sides will bear a constant ratio। क्या स्मृति बता सकती है?
यहाँ पर कॉन्स्टेंट रेशियो में कौन रहेगा, पी क्यू बाय कौन सा साइड लेंगे, पी क्यू का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लेंगे, ये कौन सा एंगल का सामने है, 53 का, 53 का सामने यहाँ पर कौन है, ए सी, तो हम कहेंगे पी क्यू बाय ए सी, है ना, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स वियर ए कॉन्स्टेंट रेशियो दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पर P है, सॉरी ये P थोड़ा ऊपर चलेगा, हाँ P है, अब बताओ दैट इज इक्वल टू पी आर बाय, क्या बता सकते हो स्मृति कौन सा साइड होगा, पी आर बाय, पी आर किसके सामने, 90 डिग्री के सामने, इधर 90 के सामने कौन, बी सी, तो बोलो पी आर बाय बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, रह गया क्यू आर, क्यू आर बाय कौन सा साइड होगा, क्यू आर बाय कौन सा साइड, क्यू आर किसके सामने, क्यू आर 37 के सामने, तो इट इज 37 के सामने एसी है, एबी, अलर्ट रहो, इट इज एबी, क्या बात समझ में आ रहा है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर रहेगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा आपका यूज देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल दे रहा हूँ, चलो ये एक ट्रायंगल है, ऐसा कोई एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, और ये ट्रायंगल में दिया है क्या, दिया है कि ये साइड भी ऐसा, सपोज ये दिया है आपका 3 मीटर और ये दिया है से 3 मीटर, ये दिया है 2 मीटर, ये दिया है 3 मीटर, ये दिया है 3 मीटर, पूछा है लेंथ x बताओ, फाइंड द लेंथ x, पूछा ये लेंथ अगर x है तो x कितना है, हम जानना चाहते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसे सब डाटा दिया हुआ है, कोई एक रेंडम ट्रेंगल है, चलो इस ट्रेंगल को नेमिंग करते हैं, ये a है, ये b है, ये c, ये d, ये e, और हम कहेंगे क्वेश्चन में दिया है फाइंड x, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, देखो तो क्या आपको एबीसी ट्रायंगल और एडीसी ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर लगते हैं क्या, सोचो सिमिलर लगते हैं क्या, सिमिलर होने का कंडीशन क्या था, ऑल थ्री एंगल्स मस्ट बी सेम, नहीं तो आप कहोगे ये एंगल तो दोनों को कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन टू बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स, अच्छा क्या ये एंगल की बराबर होता है, यस ये इसकी बराबर हो और ये भी तो इसकी बराबर होगा, है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे एबीसी ट्रायंगल एंड एसीडी ट्रायंगल आर सिमिलर, कैसे पता चला, ब्रैकेट में लिख देंगे ए ए ए, सिमिलर है, साइड्स विल बियर ए कांस्टेंट रेशियो, नहीं साइड्स विल बियर ए कांस्टेंट रेशियो, तो इसका मतलब हुआ ये ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल ये वाला है, क्या बता सकते हो छोटे ट्रायंगल का एबी का करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, एबीसी का एबी का करेस्पॉन्डिंग एंगल एडीसी में क्या होगा, एबी का करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ रहा है क्या, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड रिमेन सेम और इवन कॉन्स्टेंट, सबका वैल्यू दिया है, बताइए AB का वैल्यू क्या दिया है, 3, AD का, अरे आवाज क्यों नहीं आ रहा, AD का लेंथ कितना है, ये 3 है, ये 3 है, तो AD कितना हो गया, 6, BC का कितना है, 2, और DE का X, क्या यहां से X आपको मिल गया, Yes, X is coming out to be 4 मीटर, क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ, की बात समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए,
ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि ये कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में यहां पे हमें एक लाइन खींच लेता हूं ऐसे, ठीक है। इसमें दिया है कि ये जो लेंथ है 2 मीटर है और ये जो लेंथ है ये 6 मीटर है, ये जो लेंथ है ये 8 मीटर है और ये जो लेंथ है 10 मीटर है। पूछा है बताओ व्हाट इज द लेंथ एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो ना? चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, नेमिंग कर देते हैं पहले थोड़ा इसको, ए बी सी डी ई। क्या बता सकते हो कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है यहाँ पर? बोलना जरूरी है श्रुति, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल, नाम क्या है इसका? एबीसी। बड़ा वाला ट्रायंगल एडीई, क्या ये सिमिलर है? क्यों? बिकॉज हमारा रूल्स क्या था, तीनों एंगल बराबर होना जरूरी है। क्या ये दोनों ट्रायंगल का ये कॉमन एंगल नहीं है? एक एंगल तो दोनों का बराबर हो ही गया। और क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा? यस। और ये एंगल तो हो रहा है, सिमिलर है। तो आप क्या कहेंगे, बाय क्राइटेरिया ए ए ए आप कहोगे एबीसी ट्रायंगल इज सिमिलर टू, एबीसी ट्रायंगल इज सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल? एडीई, एडीई ट्रायंगल। अभी आपको साइड्स का रेशियो, करेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना जरूरी है। पहले साइड्स का रेशियो लिख देते हैं। सो मैं जानना चाहता हूं कि एबी हो गया पहला वाला ट्रायंगल का साइड एबी, दूसरा ट्रायंगल का करेस्पोंडिंग साइड कौन सा होगा? एडी, सॉरी ए, एबी बाई एई सिमिलरली। बीसी बाई क्या लिखेंगे? बीसी बाई डी। स्मृति का आवाज नहीं आ रहा है, बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूं। एसी एडी, एसी का करेस्पोंडिंग साइड एडी, एडी ठीक है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? करने के लिए देंगे, अकेले में कर पाओगे? हाँ। तो अब सबका वैल्यू डालो। एबी कितना है भैया? एबी दिया है 6 मीटर। एई कितना है? 8। बीसी कितना है? 8। बीसी बीसी तो 10 दिया हुआ है। डी मालूम नहीं है, वाई। और एसी कितना है? 8। और एडी, एडी कितना है? 8 प्लस x। क्या इसको सॉल्व करके हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं? पहले इन दोनों की इक्वेट कर दो, आपको y मिल जाएगा। फिर इन दोनों को इक्वेट कर लो, आपको x मिल जाएगा। गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y नाउ। चलिए आप लोग सॉल्व कर दिए। क्या आया y का वैल्यू? 40/3 मीटर। और x का वैल्यू? 8/3। ऐसे आया। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है। ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसा वाला एक ट्रायंगल देता हूं, ऐसा वाला कोई एक ट्रायंगल मैं आपको देता हूं। इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ये यहां पे हम एक पैरेलल ड्रॉ किए, पैरेलल लाइन ऐसे,
और पता चला पार्लर लाइन को हम ऐसे ड्रॉ किए। इसमें दिया हुआ है दिस लेंथ इज 1 मीटर, दिस लेंथ इज 3 मीटर और दिया हुआ है ये लेंथ है 4 मीटर और ये लेंथ है 6 मीटर। सो फाइंड ये ए है, ये बी है, सी है, डी, ई है ना। पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड ए एंड डी बी डी ई, फाइंड ए एंड डी बी, ये आपको करना है। ए और डी बी दोनों निकालना है। ए मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना है और डी बी, डी बी डी बी नहीं है, कौन से डी ई, सॉरी डी ई, ए एंड डी ई, ये दोनों पूछा गया है। चलिए करना शुरू करिए। यू मस्ट बी एबल टू डू इट। ये लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, मस्ट नॉट कंफ्यूज, और ये लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर है। बस ये है 3 मीटर, अच्छा, और ये लेंथ है 1 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, ये लेंथ है 1 मीटर, दिस लेंथ इज गिवन 1 मीटर। आपको पता करना है व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ ए ई एंड डी ई, ए ई एंड डी ई, कोशिश करिए आप कर सकते हैं। तो इसमें हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये एंगल कॉमन है दोनों के लिए, ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है और ये एंगल इसकी बराबर है और ये एंगल इसकी बराबर है। तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से हम कहेंगे कौन दोनों ट्राइंगल से मिला है, ए बी सी एंड ए डी ई, ए बी सी एंड ए डी ई ट्राइंगल, ए डी ई ट्राइंगल एंड ए बी सी ट्राइंगल आर सिमिलर, आर सिमिलर। तो साइड का रेशियो, पहला ट्रायंगल का साइड भाई दूसरे ट्रायंगल का साइड, पहला ट्रायंगल का साइड है AC, तो उसका करेस्पोंडिंग साइड हुआ A, दैट मस्ट बी इक्वल टू BC, बाय करेस्पोंडिंग साइड हुआ D, और तीसरी ये हो गया AB, करेस्पोंडिंग साइड क्या हो गया AD। सबका वैल्यू डालो, AC कितना है, AC दिया है 6 बाय AE इज इक्वल टू BC, कितना है BC इज 4 by DE is equal to AB, कितना है AB, AB is 3 and AD is 4। क्या इन दोनों को कंपेयर करके हम AE नहीं निकाल सकते? सॉल्विंग क्या मिला, सॉल्विंग मिला AE कितना आ गया 8, AE आ रहा है 8 ना, yes sir, AE आया 8, और D को करो तो D कितना आएगा 16 by 3। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जैसा है और ये ट्रायंगल भी ऐसा ही है, सिमिलर है, दे आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दिया है कि ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, बाकी एंगल्स बराबर है, ये एंगल, ये एंगल की बराबर है, ये एंगल, ये एंगल की बराबर है, ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर,
कंसीडर द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 18 मीटर स्क्वेयर और 18 क्यों लेंगे 9 मीटर स्क्वेयर इज 9 मीटर स्क्वेयर फाइंड एरिया ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्रायंगल। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ये ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ये ट्रायंगल का एरिया पूछा हुआ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट। यस यस, तो कोशिश करिए। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आप लोग क्या किए, पहले एरिया दिया है तो बेस निकाल दिए, सिमिलरिटी यूज करके इसका बेस निकाल दिए और फिर आप क्या किए उसको एरिया निकाल दिए। मैं कहना चाहता हूं ऐसे देखो, एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल। पी क्यू आर का एरिया क्या होगा भाई? हाफ क्यू आर इंटू पी आर होगा कि नहीं होगा? यस, डिवाइडेड बाय हाफ बी सी इंटू ए बी। ये भी तो सही है, yes, है कि नहीं? और आपको मालूम है कि जो क्यू आर है दैट बाय बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई ए बी है कि नहीं? सिमिलर ट्रायंगल है, क्यू आर बाई बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई ए बी है कि नहीं? अच्छा इधर देखो क्या क्या, अब ये कितना है, पी आर का वैल्यू क्या है? 4/2, इट इज 4/2, कितना हो गया 2। अब देखो तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्यू आर बाई बी सी एंड पी आर बाई ए बी, ये हाफ तो गया, ये कितना है 2, ये भी हो गया 2, तो बन गया ये 2 × 2 = 4। एरिया ऑफ पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4 है कि नहीं? क्या पता चल गया, एरिया ऑफ पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये समझ में आया, ये हमें समझ में आता है, ये हम यहां पे लिखें। अगर ये चीज 4 हो गया तो सोचो तो क्या पूछा है हमें निकालने के लिए, निकालने के लिए पूछा गया है, ये टू थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसकी तरह करते हैं। हाँ, अब देखो तो एरिया ऑफ एबीसी हमें दिया गया है 9 मीटर स्क्वायर, 9 को इधर ले लो तो एरिया एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 × एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल, कितना हो गया एबीसी ट्रायंगल का 9 है, 9 × 4 इज 36 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? सारा साइड लिखाने की जरूरत नहीं, अगर वो कहेंगे कि देखते हैं ये आइडिया को आप कैसे काम में लगाते हो। आउट ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, आउट ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आउट ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स the smaller triangle
स्मॉलर ट्रायंगल इज हैज एरिया 1/4 टाइम्स, 1/4 क्यों लेंगे, 1/25 टाइम्स, 1/25 टाइम्स द एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, उल्टा भी लिख सकते थे, बिगर ट्रायंगल का एरिया स्मॉल ट्रायंगल का 25 टाइम्स है। व्हाट इज रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या दिया है, बड़ा ट्रायंगल का एरिया छोटा ट्रायंगल का एरिया का 25 टाइम्स है। समझ में आ रहा है, रेशियो ऑफ साइड्स पूछा है, कैसे करेंगे इसको, आप कहोगे एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस ऑफ बिग ट्रायंगल, हाइट ऑफ बिग ट्रायंगल बाय हाफ बेस ऑफ स्मॉल ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या ये चीजें समझ में आया, पहले बताओ, इज इट अंडरस्टूड, यस। और आप जानते हो कि लेट रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू एक्स, सपोज रेशियो ऑफ साइड्स एक्स हुआ और ये सिमिलर ट्रायंगल है तो बड़ा का बी भाई छोटा का बी, बड़ा का एच भाई छोटा का एच, सब बराबर रेशियो में जाएंगे, है कि नहीं, और हाफ तो गया, वैल्यू डालो, वी एरिया बिग ट्रायंगल इज 25 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, तो ये रेशियो क्या हो गया 25, दैट इज इक्वल टू ये है एक्स और ये भी है एक्स, दैट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, साइड रेशियो क्या हो गया, यस रेशियो ऑफ साइड्स इज 5, मतलब एक का साइड दूसरे का 5 गुना है। क्या बात समझ में आ रहा है, लिख लीजिए अपने हिसाब से जल्दी जल्दी। लुक एट दिस क्वेश्चन, थोड़ा जो आप अभी अभी पढ़े उसको यूज करना है। ये एक लाइन पोस्ट है जिसका हाइट है 6 मीटर और इसके सामने कहीं एक लड़का खड़ा है जो 1 मीटर हाइट का है और लड़का भागने लगा, क्या स्पीड में, 8 मीटर पर सेकेंड में। अब लड़के का जो शेडो है वो शेडो तो ऐसे होगा ना, शेडो कैसे होगा, हेड यहाँ पे होगा, उसका पाँव यहाँ पे होगा, नहीं, अच्छा थोड़ा सोचो और बताओ, लड़का अगर भागेगा 8 मीटर पर सेकेंड में तो शेडो भी तो भागेगा, बताओ शेडो का लेग का स्पीड क्या होगा, 8 मीटर पर सेकेंड और लेस देन 8 मीटर पर सेकेंड और मोर देन 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ फुट ऑफ द शेडो, शेडो का फुट कहाँ है यहाँ, उसका स्पीड क्या होगा, 8 मीटर से कम होगा, हाँ कम होगा, मतलब शेडो का फुट धीरे धीरे आगे जाएगा, आदमी जोर से जाएगा तो कुछ समय के बाद वो शेडो को क्रॉस करके चले जाएगा, पीछे शेडो पड़ जाएगा, आदमी का फीट के नीचे ही तो शेडो का फीट होगा, मतलब आदमी जितने जोर से भागेगा शेडो का फीट वहीं पे होगा, शेडो का फीट का स्पीड आदमी का स्पीड के बराबर होगा, क्या ये चीज समझ में आया, शेडो का हेड का स्पीड आदमी का स्पीड से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, कैसे पता चला, क्योंकि 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 जब ये आदमी आके यहाँ पे पहुंचेगा तब वो शेडो काफी लंबा हो जाएगा,
मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो था अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब शेडो का हेड का स्पीड ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर शोन इज एवरेज स्पीड ऑफ मैन, इज स्पीड ऑफ मैन, एवरेज क्यों लिखेंगे, स्पीड ऑफ मैन इज 8 meters per second, फाइंड स्पीड ऑफ हेड ऑफ द शैडो। क्या मेरी बात क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ फिर आंसर, तो दूर की चीज है। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन समझ में आया? आदमी भाग रहा है तो शेडो का हेड, शेडो का हेड कौन है ये, इसका स्पीड क्या है पूछा, दिमाग लगा ना। आदमी इज रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड दिया है 8 meters per second, और आपको मालूम होगा कि व्हेन समवन रन्स विद कांस्टेंट स्पीड उसका एवरेज स्पीड इज सेम एज द कांस्टेंट स्पीड, है ना, इंस्टेंट स्पीड। पता करना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द शेडोस हेड। आप ट्राई करोगे कि हम करें, ठीक है? यू आर गिवन 2 minutes टू ट्राई दिस, ट्राई और बताओ शेडो का हेड का स्पीड क्या होगा, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो भाई, ये जो आदमी है जो भोला भाला सा दिखता है, मान लो कि आदमी पहले यहाँ पे खड़ा था, सपोज दिस मैन वाज हियर, ये आदमी यहाँ पे खड़ा था, थोड़ा सा इसको कहते हैं बढ़िया सा आदमी बनाते हैं, ये जो आदमी है, चलो मानते हैं कि ये पहले खम्बे के पास खड़ा था, ये आदमी यहाँ खड़ा था, अरे इधर बड़ा था उधर जाते थे छोटा हो गया, नहीं थोड़ा इसको भी छोटा करते हैं, ये आदमी, जब ये आदमी यहाँ से भाग के यहाँ पर गया, जब आदमी यहाँ पे था ये आदमी, उसका शेडो कहाँ था, पाँव के नीचे, क्योंकि लाइट ऊपर है ना, है कि नहीं। अच्छा, जब तक ये आदमी यहां से भाग के इतना दूर गया है, तब तक शेडो का हेड यहां से भाग के इतना दूर गया है, जितनी समय में आदमी इतना दूर गया है उतनी समय में शेडो का हेड उतना ही दूर गया है। मालूम नहीं ये डिस्टेंस क्या है, कॉल दिस डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस को वाई, है ना। मान लो ये सब हुआ टी सेकेंड में, लेट द मैन मूव्स एक्स इन टी सेकेंड्स, हेड ऑफ शेडो मूव्स एक्सक्यूज मी वाई इन टी सेकेंड्स। तो अगर आदमी t सेकंड में x डिस्टेंस गया, तो आदमी का स्पीड इनटू t हो गया x, है कि नहीं। शेडो का हेड का स्पीड इनटू t इज इक्वल टू y, ये बात है कि नहीं। अगर हमें किसी तरह से x बाई वाई मिल जाएगा, vm दिया हुआ है, vs तो मिल जाएगा। अब हमें x y निकालने की तरह रेशियो, वो भी नहीं, x y का रेशियो चाहिए, ठीक है। थोड़ा नेमिंग करते हैं स्ट्रेंगल्स को, चलो ये लैंप पोस्ट ए बी सी डी ई, आप देख रहे हो कि सी डी ई ट्रेंगल एंड ए बी ई ट्रेंगल आर सिमिलर, है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर सिमिलर है। तो आप कहोगे CE by CB is equal to DC by BA, क्या बात समझ में आ रहा है? देख लो CE by CB,
एक्सक्यूज मी, सीई, सी कौन है, ये सी है, सीई बाय ईबी, सॉरी मैं गलत लिखा हूं, सीई बाय ईबी इज इक्वल टू डीसी बाय एबी, है कि नहीं? डीसी और एबी के तो वैल्यू मालूम है, डीसी कितना है 1 मीटर, एबी लैंप पोस्ट का हाइट कितना है 6 मीटर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/6. सीई कितना है, व्हाट इज सीई, सोचो और बताओ सीई कितना है. अरे भाई यहां तक अगर है वाई, यहां तक अगर है वाई, यहां तक है एक्स, तो सीई कितना हुआ, वाई माइनस एक्स बाय बी. क्या है बी, तो वाई है. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ये वाई माइनस एक्स हुआ समझ में आया, और ये वाई दैट इज इक्वल टू 1/6. तो इसमें से पता चला 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6y - 6x इज इक्वल टू y, और 6x को उधर ले लो, इसको इधर ले लो, 5y = 6x, 5y = 6x, और y/x क्या होगा, y/x क्या हो जाएगा 6y. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब गो बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू टाइम इज इक्वल टू एक्स, वेलोसिटी ऑफ शैडो सेट इनटू सेम टाइम इज इक्वल टू वाई. तो डिवाइड कर दो, वी एस टी बाय वी एम टी इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, टी तो गया, वेलोसिटी ऑफ शैडो पता करना था, ये y by x into velocity of man है, जबकि y by x हम निकाल चुके हैं 6/5, velocity of man दिया गया है 8, so it is 6/5 × 8, it is coming out to be 9.6 meter per second. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है ही नहीं. चलिए कर लीजिए, क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से कर पाओगे, सोच पाओगे? चलिए बढ़िया करो. पहले ये निकाल तो दो, कंप्लीट करो, कर लिया, अरे वाह बढ़िया. अभी समझ में आ गया, पूरा समझ में आया, श्रुति को समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में नहीं है. अच्छा ये वाला पार्ट समझ में आया, ये वाला ये आया. देखो ना, अगर ये आदमी दौड़ते हुए यहाँ तक पहुंचा जितने समय में, पहले यहाँ था उतनी समय में उसका शैडो का हेड यहाँ से यहाँ पर आ गया है, आया ना. मतलब आदमी अगर टी सेकंड के लिए गया है तो शैडो का हेड भी टी सेकंड के लिए गया. आदमी का स्पीड अगर वी एम है तो टी सेकंड में कितना दूर जाएगा, यहां से यहां पर, स्पीड इंटू टाइम, वी एम इंटू टी कितना है एक्स. शैडो का हेड का स्पीड अगर वी एस है टी सेकंड में कितना दूर जाएगा, वी एस इंटू टी, दैट वी एस इंटू टी इज इक्वल टू वाई, वी एम इंटू टी इज इक्वल टू एक्स. ये समझ में आया? अब इसका रेशियो कर दो, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, Vs into t by Vm into t is equal to y by x. जबकि y by x का वैल्यू अभी अभी हम निकाल चुके हैं, क्या था वैल्यू, डालें यहाँ पे, वैल्यू डालें यहाँ पे, तो इट इज कमिंग आउट टू बी Vm को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इधर, नहीं Vm को ले लिए ऊपर, Vm कितना था 8 मीटर पर सेकंड दिया है, 6 × 8 = 48/5, इससे मैच 96/10, इससे मैच 9.6. अभी आया समझ में? ठीक है.